सब, आई होप सब अच्छे, सब एकदम भले चंगे होंगे। हाँ हो गई, हम सुबह कर चुके हैं झाड़ू पोछा, अपने ये गंदा हो। बाहर बालकनी में गई थी वीडियो स्टार्ट करने, लेकिन इस लड़के ने मुझे बोलने नहीं दिया। बाहर झाड़ू पोछा जितना सामान रखा था सब सामान निकाल निकाल के फेंक दिया, अंदर आ गई, गेट बंद कर लिया। और आज मैं बनाने जा रही हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल रेसिपी बनाने जा रही हूँ, गुजराती खांडवी, जो कि एक गुजरात की फेमस डिश है। क्योंकि आप लोग बहुत दिन से कह रहे थे कि दी आप कुछ स्पेशल नहीं बना रहे हो, कुछ नया नहीं बना रहे हो, तो मैंने कहा चलिए आज बनाते हैं। पहली बार बना रही हूँ, इससे पहले मैंने भी नहीं बनाई है। अब देखते हैं कैसी बनती है, जैसी बनेगी आप भी खाइएगा हम भी खाएंगे। तो खांडवी बनाने के लिए सबसे पहले ले लिया है मैंने बेसन, और बेसन को छलनी से अच्छे से छान लिया है ताकि इसमें कोई भी गांठें हो तो वो सारी निकल जाएं। और उसके बाद में यहाँ पर लिया है दही, और दही को पानी मिला देंगे इसी में से धो के कटोरी में। एक कटोरी पानी डाल दूंगी एक कटोरी दही में, और इसको अच्छे से चला लेना है, इसका छाछ बना लेना है जैसे बटर मिल्क होता है वैसे ही। और उसके बाद में इसमें ये मिला देंगे बेसन, और बेसन मिलाने के बाद दोनों को बहुत अच्छे से चलाएंगे, एकदम एक जैसा कर देंगे। और दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, टेस्ट के अनुसार नमक, और उसके बाद थोड़ा सा मिर्ची और अदरक का पेस्ट, और सबको अच्छे से मिला के एक बार इसको फिर से छलनी से अच्छे से छान लेंगे ताकि जितना भी अदरक और मिर्ची के बड़े बड़े टुकड़े हैं वो सारे निकल जाएँ, क्योंकि वो अच्छे नहीं लगेंगे खाने में, अदरक फंसेगा दांतों में खाने से। ये देखिए ये जाली वाला बाउल होता है जो स्टीमर के यहाँ पे ऊपर से लगा के कोई भी चीज स्टीम करते हैं, लेकिन हम ये वाला बाउल नहीं लगाएंगे इसका, क्योंकि अगर इसको लगा के ऊपर से बेसन रखेंगे तो इसकी जो बेसन की नमी है वो नमी नहीं रह जाएगी, और फिर उतने अच्छे से हमारी खांडवी नहीं बनेगी। इसलिए हम डायरेक्ट इसमें पानी रख के और बेसन का बाउल रख देंगे, और 3-4 मिनट के लिए अच्छे से इसको स्टीम कर लेंगे। गर्म हो गया है, अब यहाँ पर जब तक हमारा बेसन पक रहा है तब तक हम आगे की तैयारियाँ कर लेते हैं। तो मैंने 2 थालियों को उल्टा कर लिया है, और उल्टे साइड से इसमें घी लगा के इनको चिकना कर लिया है, क्योंकि इसी के ऊपर हम अपने बेसन को फैलाएंगे। और यहाँ पर बेसन भी बहुत अच्छे से पक रहा है, इसको चेक कर लिया है एक आध बार बीच में, और मेरे पास एक ताज़ा नारियल रखा हुआ था तो इसी को मैंने तुड़वा लिया है इसके अंदर, मतलब फैलाने के लिए बेसन के अंदर। और जैसे ही बेसन अच्छे से थिक हो गया है, गाढ़ा हो गया है, वैसे ही मैंने इसको गरम गरम ही थालियों के ऊपर फैला दिया है। 2 थालियों में तो नहीं, मैंने 4 थालियों में फैलाया, फिर भी बेसन बच गया है तो मैंने उसको उठा के रख दिया है कि उसकी सब्जी वगैरह बना लूँगी, क्योंकि मैं पहली बार बना रही हूँ तो सब लोगों को खाने में कैसा लगता है पहले ये देखेंगे, तभी कोई चीज़ ज़्यादा बनानी चाहिए, क्योंकि पहली बार थोड़ी बनाओ तो ठीक रहता है। तो यहाँ पर ये जैसे ही 10 मिनट हो गए हैं इसको फैले हुए, वैसे ही इनको ऐसे रोल करके निकाल लेना है काट काट के। और थोड़े से मैंने ये नारियल वाले भी कर लिए, और थोड़े से सिंपल वाले, दोनों तरीके के बना लिए हैं। और ऊपर से लगाएंगे इसमें तड़का, तो तड़के के लिए थोड़ा सा घी लिया है, उसमें डालिए राई, तिल के बीज, करी पत्ते, सूखी हुई लाल मिर्च, और बस ऊपर से इसमें डाल देंगे ये तड़का। तो ये मतलब तड़का लगाने से तो कोई भी चीज़ सुंदर लगने लगती है, और ऊपर से और सुंदर बनाने के लिए मैं इसमें ये ग्रेट किया हुआ नारियल डाल दूंगी। तो ये हमारी खांडवी बनके तैयार हो गई है। सोच रही थी पता नहीं बन पाएगा कि नहीं, कोशिश तो पूरी की है। वैसे उसने पाइप निकाल लिया है इसी का, वो बाहर लगा रहे हैं बालकनी के, उसमें पानी नहीं है, वो कह रहा है बाल्टी रोज रोज भर जाती है, इसे बाहर लगा देना है, पाइप नीचे जाएगा पानी सबके सर में ना। जो लोग बनाते रहते हैं उन लोगों को पता होगा कि मैं सही बना पाई हूँ कि नहीं, और बाकी आप लोगों को टेस्ट करने से पता चल गया होगा कि मैंने सही। मैं जब भी किचन में आती हूँ, मुझे कोई भी काम करना हो किचन का, सबसे पहले मैं किचन वाले टैप से हाथ जरूर धोती हूँ, भले ही मैं कहीं से भी हाथ धो आई हूँ, लेकिन यहाँ पे एक बार जरूर धोती हूँ, ये मेरी आदत है। क्योंकि पानी बर्बाद करना ही करना है।
अब बाथरूम तो धोए थे, किचन से धोएंगे ना। तो सबसे पहले नंदनी टेस्ट कर रही है, कैसी लगी नंदनी खांडवी? अच्छी लगी, मस्त मस्त लगी। हाँ नहीं, कोई जोर दबाव नहीं है, सच सच बताना जैसी लगी हो। सच में अच्छी लगी है, लेकिन थोड़ा सा वैसा है टाइट और होता अच्छा लगता है। नहीं ये तो सॉफ्ट ही बनते हैं ना। अरे रवा मुंह दिखाना जरा। ऐसे मत बोला करो, कोई आंसू आंसू निकल आए किसी के, एकदम वीडियो बन रहा है, अच्छा लगेगा। अच्छा बना है। अच्छा बना है। इसीलिए जब आदमी बोलता है ना, तारीफ करता है, तारीफ को एक्सेप्ट करो, उसको फोर्स मत करो। अरे नहीं सर, आप तो बस ऐसे ही, अभी सच्चाई बता दी उसने। फिर कैमरा ऑन हुआ करे ना, तब ऐसी बातें बोला करो। कैमरे के पीछे भी तो कुछ और बोल रही थी, अब बोल रही है कि इतनी डिश बनाई में, जैसे मैंने कैमरा ऑफ कर दिया ना, इसने कंफर्म कर लिया कैमरा ऑफ है, उसके बाद तुरंत इसके मुंह से निकला कि इतनी डिश बनाई है मैंने, सबसे बेकार यही बनी है। इसके कार्टून की, कार्टूनों की नाके ऐसी लगती है ना, किसी के लग जाए, छुप जाए, आर पार चली जाएंगी। ऐसी नाक बना देते हैं, ऐसी नाक नहीं होती है क्या? ऐसी नहीं होती है। जरा तुम साइड से, साइड से, साइड फेस करना। चुआ जाओ। कहाँ है चुआ? क्या मंदिर में है क्या? कहाँ पे बताओ जरा, कहाँ? अच्छा ये चूहे की बात कर रहे हो बेटा? ये चूहा नहीं है, भगवान है, ये गणेश जी के चूहे हैं ये ना, ये गणेश जी के चूहे हैं ये। सॉरी बोलो। गुड बॉय, कम बा, कम आउट। अभी मैं खांडवी बनाने में लग गई थी, तो अभी मेरे बहुत सारे काम बाकी के छूट गए हैं रोज़मर्रा वाले। और आज मैंने थोड़ा सा फेस पैक लगाया अपने फेस पे, क्योंकि थोड़ा सा ब्लैक हेड से हो रहे थे और मेरी स्किन बहुत ऑयली है, तो चिपचिपी सी हो रही थी। तो हफ्ते में मैं कोशिश करती हूँ एक या दो बार लगा लूँ, तो बस जब तक काम करूँगी तब तक वो सूख जाएगा, मेरे काम भी होते। लेकिन किचन वाले इन कामों में ये सूख नहीं रहा है, उल्टा पसीना आ रहा है, तो ये फेस पैक फिर से गीला हो जा रहा है। तो अभी जाके मैं इसे धो लूँगी, क्योंकि 20 मिनट तो वैसे भी हो गए लगाए हुए, जो उसको असर करना होगा वो कर चुका होगा। लेकिन उससे पहले मैं सब्जी छौंक जाती हूँ, क्योंकि जब तक सब्जी पकेगी तब तक मैं धो धा के आ जाऊँगी, तो बीच बीच में मेरा टाइम भी नहीं ख़राब होगा, क्योंकि अलग से सोचो कि टाइम मिल जाए इन चीज़ों के लिए, तो नहीं मिल पाता है उतना समय। और अभी दाल रखी है हमारे खाने में, इसलिए सब्जी थोड़ा सा कम बना रही हूँ, और ये जल्दी बन जाती है आलू टमाटर, क्योंकि और सब्जियाँ काटने वाटने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है, इसीलिए मैंने बना दी। और जब ये फेस पैक वगैरह लगाओ ना, तो इनको धोने में बड़ा आलस आता है, क्योंकि पूरे फेस में, गर्दन में से चिपक जाते हैं, बहुत टाइम लगता है इनको धोने में। मैं ना एक बार बताऊँ, मैं हमेशा अपने लिए ना ऐसे आलू की सूखी सब्जी निकाल लेती हूँ, क्योंकि इनको ये रसे वाली पसंद है, हर चीज में इनको पानी चाहिए। नहीं पानी नहीं, मैं राइस खा रहा हूँ, इसलिए वो भी बहुत अच्छी है। हाँ, तो मैं तो ऐसे ही खाती हूँ, ये नहीं खाती तो मैं आलू का भरता बना लेती। नंदनी तूने नहीं ली सूखी वाली सब्जी? तुझे नहीं चाहिए? नहीं ले लेना, इसी में से लेना थोड़ी सी। जबरदस्ती है क्या खाने? तो उसको भी अच्छा लगता है सूखा सूखा। दूध काफी रखा है तो मैं दही जमा दूंगी, जिस दिन बच जाता है उस दिन जमा देती हूँ, जब नहीं होता है तो नहीं जमाती हूँ, क्योंकि आज काफी रखा है, पीने के बाद भी बच जाएगा, तो मैं जमा दे रही हूँ, क्योंकि दही खत्म हो गया, जितना था सारा डल गया, इतना थोड़ा सा रह गया इसमें। इसमें जितना दही था वो सारा मैंने बेसन में डाल दिया था आज, बस ये जामन के लिए 1.5 चम्मच दही इसमें पड़ा है। तो इसको दूध को जमाने के लिए मैं तली में पहले ये दही डाल देती हूँ, और पूरे में फैला के, और फिर ऊपर से दूध डाल देती हूँ, मलाई नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि मलाई दही में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, और अगर 1-2 दिन दही रखा रहे तो मलाई वाला दही ख़राब सा हो जाता है। और बस इसको ढक के रख दूँगी, बाकी पीने का दूध बचा है तो वो सब लोग अभी पी लेंगे। और सारे कामों के बाद में एक बार सिलेंडर जरूर चेक कर लेना चाहिए कि बंद है या नहीं। आज मैंने फेस पैक लगाया तो मेरा चेहरा कितना ग्लो कर रहा है, कैसा लग रहा है? वास्तव में लग रहा है या नहीं लग रहा है? चिकना चिकना भी लग रहा है।
अच्छा है, अच्छा है। उसके अलावा अभी हमने एक वीडियो शेयर किया है, इसके पिछले वाला जो वीडियो है जिसकी आप लोग बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे कि मैं अपना स्ट्रगल स्टोरी शेयर करूं आप लोगों के साथ, तो मैंने शेयर कर दिया है। जाइए जाकर देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी क्योंकि काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं उसमें। तो जिन्होंने नहीं देखा जाकर देखिए। उसी वीडियो पर कुछ कॉमेंट्स आ रहे हैं कि एक कॉमेंट तो ऐसा है कि भैया कि आप कभी बिहार आए थे क्या, जैसे कि आपने बताया कि आपका रोमिंग प्रोफाइल था। मैं बिहार भी कई बार गया हूँ, इवन बिहार में भी मैं पटना, राजगीर, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर एंड एक एक सिटी और मैं भूल रहा हूँ, कौन सा है वो, भागलपुर, राइट। तो ये कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पे मैं घूम भी चुका हूँ। एंड राजगीर का तो मुझे भी याद है, श्रमजीवी एक्सप्रेस चलती है ग्वालियर से राजगीर के लिए, तो मैं वो ट्रेन से ट्रेवल किया था। एंड सिर्फ बिहार ही नहीं, मैंने आपको बताया कि मैं ऑलरेडी ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न जितने भी स्टेट्स हैं सारे स्टेट्स घूमे हैं। स्टेट्स के अंदर भी जितने मेजर सिटीज़ हैं या मेजर टाउन्स हैं उन सभी जगह गया हूँ, क्योंकि मैं हफ्ते में 4 दिन ट्रैवल करता था, तो आप समझ सकते हैं कि 3.5 साल में मैंने कितना ट्रैवल किया है। एंड दूसरा कमेंट किसी ने ये किया है कि भैया कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन आपको भाभी कैसे मिल गई। कभी भाभी से पूछा कि भाभी को भैया कैसे मिल गए? पूछते क्यों नहीं पूछते, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, एक बार हमने देख लिया कि तुमसे पूछा गया है। वो सवाल भी पूछिए, लेकिन ठीक है, हम लोग भी इस बारे में सोच रहे हैं कि इसकी भी एक, जैसे कि मेरा स्ट्रगल स्टोरी है, इसका भी एक, इससे भी ज़्यादा स्ट्रगल है जो मैंने करियर में स्ट्रगल किया है ना, इनको पाने में तो इससे भी ज़्यादा स्ट्रगल किया है, सच बता रहा हूँ। एंड कॉमेंट्स भी आ रहे हैं आप लोगों के कि हम लोग जल्दी से अपनी स्टोरी शेयर करें। तो आप लोगों के कॉमेंट्स शुरू से ही आ रहे हैं कि दी ये स्टोरी आप शेयर करिए, जल्दी शेयर करिए। तो हम लोग बहुत दिन से प्लान कर रहे हैं लेकिन अब कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करें। हम भी थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे थे कि कैसे बात करें, कैसे शुरू करें, कैसे स्टोरी बताएं अपनी सारी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब करते हैं इस वीडियो को एंड, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गुड नाइट। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियोस, न्यू ब्लॉग्स आपको डेली मिलते रहे। बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर।